हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को वॉश कर देंगे अच्छे से दो तीन पानी से, ताकि इसमें धूल मिट्टी ना रहे। वॉश करने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद इसके अंदर आप पानी डाल दीजिए हाफ ग्लास जितना, और उसके अंदर चीनी डालनी है थोड़ी, 10-15 दाने। चीनी डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका बहुत अच्छा ग्रीन कलर आएगा, काला नहीं पड़ेगा। तो चीनी डालिए और इसको अच्छे से बॉईल कीजिए। बॉईल इतना ही करना है कि उसका कलर चेंज ना हो। कुछ लोग इसको ब्लांच भी करते हैं, ब्लांच कर पालक पानी में से निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको डाउट होता है कि नहीं थोड़ी धूल मिट्टी रह गई, तो वो जब बॉईल करते हैं तो नीचे बैठ जाती है मिट्टी, तो आप ब्लांच करके पालक को निकाल सकते हो। अगर आपने अच्छे से वॉश किया तो आप इसी पानी में आप इसको ग्रेवी कर सकते हो। ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज और लहसुन, आप अदरक डालना चाहो तो डाल सकते हो, और टमाटर की हम प्योरी बनाएंगे। तो आप तीनों चारों चीज़ें ले लीजिए और इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर दीजिए। मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने बीच में से फिर हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो आप हरी मिर्च, अगर ग्रीन ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो, रेड नहीं बनानी है थोड़ी सी भी, तो आप पूरा ग्रीन चिली ले लीजिए। और अगर आपको ग्रीन चिली नहीं पसंद है तो आप रेड चिली भी डाल सकते हो। ये देखिए, हमारी पालक बॉईल होके रेडी हो गई है। अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे, और ये हमारी प्योरी भी रेडी है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, 1-2 चम्मच आप तेल ले लीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, जैसे ही तेल गरम हो जाए वैसे ही आप उसके अंदर आपने जो प्योरी का मसाला रेडी किया था वो आप उसके अंदर डाल दीजिए। इसको अच्छे से आपको कुक करना है जब तक इसमें से ऑयल अलग ना हो। जैसे ही प्योरी तेल छोड़ने लगे, तो उसी टाइम मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाइए, और मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक डालने से ये अच्छे से जल्दी कुक हो जाएगी और अपना ऑयल छोड़ देगी। इसको अच्छे से हिलाते रहिए बीच बीच में, जैसे ही अपना तेल छोड़ने लगे ये, उसी टाइम इसके अंदर मसाले डालने हैं। थोड़ी सी हल्दी डालिए, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है ताकि कलर मेंटेन रहे। और तुरंत इसके अंदर हम डालेंगे धनिया जीरा का पाउडर, वो भी थोड़ा सा ही डालेंगे, 1/2 चम्मच या 1 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच। और रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे आपको तीखा चाहिए। उसको अच्छे से हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए ग्रेवी में। इसको मिक्स करते रहिए बीच बीच में, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब इसके अंदर जो जिसमें मैंने प्योरी बनाई थी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है, ताकि नीचे मसाले जले ना। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि नीचे मसाला चिपके नहीं। जैसे ही ये कुक हो जाता है वैसे ही इसके अंदर हमें जो हमने पालक की प्योरी बनाई थी वो डाल देनी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, एकदम से बढ़िया ग्रीन कलर निकला है इसका। पर इसी में जो जिसमें आपने ब्लेंड किया है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो जो बचा हुआ चिपका हुआ है वो भी अंदर आप इसके अंदर डाल दीजिए पानी में मिला के। ये मैंने जो बचा हुआ पानी था प्योरी का ओनियन वाला, वो भी मैं इसके अंदर अब डाल दूंगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये जैसे ही थोड़ा सा बॉईल होने लगे उसी टाइम इसके अंदर पनीर डालना है। मैं पनीर को बिना फ्राई किए डालती हूँ हमेशा, क्योंकि अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो उसमें भी ऑयल आता है। एक हेल्दी ऑप्शन की वजह से मैं इसको फ्राई किए बगैर ही डालती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छा कलर आता है।
तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसको फ्राई किए बगैर ही बनाए। तो मैंने पनीर 200 ग्राम लिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए। पनीर डालने के बाद इसको मिक्स करके इसके अंदर अब मैं किचन किंग मसाला डालूंगी। तो आप भी किचन किंग मसाला यूज़ कीजिए, आपको जिस भी ब्रांड का पसंद हो। मैंने एवरेस्ट का लिया है। तो मसाला लास्ट में डालिए ताकि इसका खुशबू और टेस्ट बरकरार रहे। जैसे ही ये आप डालोगे तो मिक्स कर दीजिए अच्छे से। 2 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, आपको जो भी पहले हमने थोड़ा सा डाला हुआ था प्योरी में, तो उस हिसाब से फिर अभी आप जितना भी बाकी नमक है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। फिर लास्ट में हम इसको इसके ऊपर क्रीम डाल के गार्निश करेंगे। आप बटर ना डालना चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हो, या फिर आप क्रीम डालिए। क्रीम में एक अपनी मिठास होती है, तो उसका देखिए आप कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसमें आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा क्रीम डालने से। क्रीम से आप गार्निश भी कर सकते हो इसको। ये देखिए फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब मैंने ऊपर से एक बटर भी डाल दिया था क्योंकि मुझे बटर का टेस्ट पसंद है, तो ये बटर भी डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो मैनेज। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पालक पनीर की मस्त ग्रेवी वाली सब्जी तैयार है। इसको आप रोटी या पराठे या पूड़ी के साथ खा सकते हो और एंजॉय कीजिए। इसको आप गार्निश करना चाहो तो हरे धनिए के साथ या ऊपर फ्रेश क्रीम डाल के गार्निश कर सकते हो। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉय, एंड आप मेरी चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।